और इन्होंने कुछ डाला है जो मैंने पूछा, इन्होंने बताया नहीं कि ये कौन सा खाद है। कोशिश करूँगा जाते हुए इनसे ज़रूर पूछूँ, अगर इन्होंने बता दिया तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि आखिर इन्होंने कौन सा खाद डाला है। गुड मॉर्निंग गाइज, तो आज का इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज का ये वीडियो होने वाला है खास। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सेकुलेंट्स दिखाऊंगा, 20 रुपये वाले प्लांट्स दिखाऊंगा और बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स दिखाने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी वेराइटी होलसेल रेट पर आपको नहीं मिलती है। जो सबसे मज़ेदार बात है होती है कि जब भी मैं संधा नर्सरी आता हूँ, यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, और मैं आपको भी बार बार बोलता हूँ कि ये जो प्लांट्स तैयार करते हैं वो दिल्ली एनसीआर के क्लाइमेट के हिसाब से ही तैयार करते हैं। और जनरली मैक्सिमम दिल्ली एनसीआर में ट्रेडर्स होते हैं, बट यहाँ पर जो है ये समझ लीजिए एक प्लांट्स को खुद से तैयार करके खुद से मतलब सेल आउट करते हैं। तो क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये चीज़ खुद फील होगा कि ये प्लांट्स तो खुद ही तैयार कर रहे हैं। तो जो खुद के तैयार किए हुए प्लांट्स होते हैं उनकी प्राइसिंग भी ठीक ठाक होती है और ये लॉन्ग टर्म चलते हैं। जो सबसे बेस्ट बात है कि जो प्लांट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ दिनों में ये प्लांट्स अगर डाई होने लगे तो फिर तो बाय करने का क्या फ़ायदा हुआ। तो आप आइए एक बार यहाँ पर आके देखिए कि प्लांट्स कैसे तैयार करते हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर आपको, होलसेल प्राइस पर आपको ये सामान यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलिए गाइज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस मैं वहीं पर डालता हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी है कोई प्लांट्स के रिलेटेड तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज मैं आपको बहुत ही सस्ते सस्ते पौधे दिखाने वाला हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं ये साल्विया है। साल्विया में जनरली ये दिल्ली एनसीआर में एक ही कलर मेरे को देखते हैं मिलता है, पर इसमें भी 2-3 कलर्स आते हैं साल्विया में। ये देखिए ये पॉलीबैग्स में लगे हुए हैं और जो प्राइसिंग है कुल अराउंड 20 रुपये है, जो कि बहुत ही सस्ता है। और यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, आपको मैं एक ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ कि जो भी सीजनल प्लांट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसी के साथ में मुझे दिख रहा है जाफरी। ये देखिए आप जब भी आप प्लांट अगर आप ले रहे हैं और उस पर छोटे प्लांट्स ले रहे हैं पॉलीबैग्स में, तो कोशिश कीजिए कि जो प्लांट है उस जो फ्लावरिंग है वो खिल जाए तो उसे तोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्लांट फिर और ज़्यादा घना होता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और प्राइस है जाफरी का कुल अराउंड 20 रुपये है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ में मुझे गजेनिया दिख रहा है, और गजेनिया में भी आपको मल्टी शेड्स और बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। ये जितने आप देख रहे हैं ये पॉलीबैग्स में लगे हुए हैं और कुल 20 रुपये प्राइस है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इसके जो फूल होता है वो काफ़ी सुंदर लगता है, और बाद में जब ये सूख जाए फूल तो इसे आप स्टोर कर लीजिए इसके सीड्स को, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये गेंदे की वैरायटी है। गेंदे की में आपको 2 कलर्स मिल जाते हैं जनरली, एक येलो होता है और एक थोड़ा ऑरेंज सा होता है, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये सारे ऑरेंज में हैं और इसी में आपको येलो भी मिल जाते हैं। और इसकी प्राइसिंग भी लगभग 20 रुपये में मिल जाएगा आपको। और इसी के साथ में बर्बीना है, ये देखिए ये बर्बीना के पौधे हैं, और बर्बीना में आपको कई सारे शेड्स मिल जाएंगे। आपको पिंक मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, तो बहुत सारे शेड्स हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है 20 रुपये। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये एलेसियन है, और बड़े ही छोटे छोटे फूल होते हैं, पूरे गमले में फैल जाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। अगर आप देखिए मल्टी शेड्स में मिलते हैं और समझ लीजिए लॉन्ग टर्म चलते हैं, और छोटे छोटे इस तरह के फूल आते हैं। प्राइस कुल अराउंड 20 रुपये है। सिल्वर डस्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, अभी पॉलीबैग्स में लगे हुए हैं, तो प्राइस इनका अभी 30 रुपीज़ रखा हुआ है। और इसी के साथ में पेंजिंग भी है, और इसकी प्राइसिंग लगभग 25 रुपये है पॉलीबैग्स में। ये खुद के तैयार किए हुए पौधे हैं, इसलिए थोड़े अभी छोटे हैं, और एक बार ये सेट हो जाएंगे तो बड़े ही लॉन्ग टर्म चलने वाले पौधे होते हैं इनके, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये पिटोनिया है, और पिटोनिया में आपको बहुत सारे मल्टी शेड्स मिल जाते हैं। कलर्स देख लीजिए आप, बिल्कुल लाउड स्पीकर की तरह इसकी फ्लावरिंग होती है। काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं, आप थोड़ा सा फील कर लीजिए कि कितने हेल्दी प्लांट्स हैं। पूरा जो सिस्टम है आप ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा। ये देखिए तो पूरा गमला भर जाता है, तो बहुत सारे कलर्स हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं। कुल 25 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है, तो ये ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा पिटोनिया। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये बिगोनिया के पौधे हैं, बड़े ही अच्छे और लॉन्ग टर्म चलने वाले होते हैं। लॉन्ग टर्म से इन सेंस होता है गाइज कि जो ठंड में जो प्लांट्स आपको मिलते हैं वो लगभग अब मार्च अप्रैल मई तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सब में फ्लावरिंग होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए कई सारे कलर्स मिल जाते हैं, वाइट में है, पिंक में है, ये देखिए।
तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, आराम से पॉट्स में लगा लीजिए, अच्छे चल जाते हैं। तो कुछ ग्रीन में भी दिख रहे हैं, फ्लावरिंग कैसी होगी ये नहीं पता मुझे, बट अच्छे हैं। 20-20 ये 25 रुपये में, सॉरी ये 25 रुपये में बिगोनिया, ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज आपको गेंदे और जाफरी में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जाफरी इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये देखिए उनमें फूल इतने छोटे छोटे आते हैं, ये देखिए कलर्स आप देख सकते हैं इसमें, 2-3 कलर्स आपको मिल जाते हैं, कुछ डार्क्स में भी आते हैं, थोड़े से ब्लैक्स होते हैं, कुछ डीप रेड होते हैं, तो ये आप बाय कर सकते हैं। लगातार फ्लावरिंग होती रहती है, मैं जैसा बता रहा हूँ आपको, अगर इस सीज़न में आपको प्लांट को आपका सर्वाइव कराना है, एक बार अगर फ्लावरिंग हो गई तो उसकी जो फ्लावरिंग के बाद इसका जो है ये टिप जो है ये तोड़ दीजिए, तभी प्लांट चल पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि फ्लावरिंग देख देख के उसको छोड़ देंगे तो प्लांट सूखने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। तो गाइज ये जो देख रहे हैं ये डैंथस है, बड़ी ही हेल्दी प्लांट्स हैं, और ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, 20 रुपये कुछ प्राइस है, तो बड़ा ही सही सा है, मतलब आप सारे सीजनल प्लांट तो इन्होंने कवर कर दिया है। कुछ दिनों में और ढेर सारे प्लांट्स आने वाले हैं जो ये तैयार कर रहे हैं, दूसरी नर्सरी जो कि इनकी दिल्ली में है, तो वहाँ से भी कुछ प्लांट्स आने वाले हैं। तो डैंथस आप ट्राई कर सकते हैं, 20 रुपये कुल प्राइस है, कई सारे मल्टी शेड्स हैं। तो गाइज ये जो देख रहे हैं हवर्थिया है, और हवर्थिया की छोटी वैरायटी है और कुछ पॉट्स में लगे हुए हैं, तो प्राइस है लगभग आपको 200 रुपये में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हवर्थिया की थोड़ी सी बड़ी वैरायटी लेते हैं तो लगभग 250 से 300 रुपये के बीच में आपको मिलता है इस तरह का, जिसे हम ज़ेब्रा हवर्थिया बोलते हैं, सक्युलेंट्स में काउंट आते हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और लॉन्ग टर्म चलते हैं, ये मरते नहीं हैं, आराम से ये सर्वाइव करते रहते हैं। इसी में 250 रुपये में आपको ये भी मिल जाता है, तो जितनी भी प्राइसिंग है लगभग 250 से 300 रुपये के बीच में ही है जो कि हवर्थिया है, और एक में कई सारे जो प्लांट्स हैं उनकी प्राइसिंग थोड़ी सी आपको 250 से 300 के बीच में मिलती है। ये देखें एक के अंदर कितने सारे लगे हुए हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, बड़े आसान है। कैक्टस की इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, ये देखिए ये जो देख रहे हैं ये लगभग 200 रुपये में है, फ्लावरिंग कैक्टस है, मज़ेदार है, लॉन्ग टर्म चलेंगे। मुझे इसमें पत्तों की खाद दिख रही है कि पत्तों की खाद इन्होंने लगाया है और अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है। तो बहुत सारी वैरायटी है इनके पास भी, लगभग 40 से 50 वैरायटी मेरे को दिख रही है सकुलेंट्स की। ये देखिए ये इंग्लिश आईवी है, इंग्लिश आईवी अगर आप बास्केट्स में लेते हैं बहुत सारे, तो उनकी प्राइसिंग थोड़ी सी आपको लगभग 300 से 400 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आप सकुलेंट्स देख सकते हैं, सकुलेंट्स की कितनी सारे रेंज हैं और कितनी सारी वैरायटी है, ये लगभग 100 रुपये में हैं जो कि यहाँ पॉट्स में लगे हुए हैं। अब मैं इंडिविजुअल अगर बनाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ, जो छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए लगभग 100 रुपये प्राइस है इसकी, और जो बास्केट्स में लगे हुए हैं इस तरह के बड़े बड़े कैक्टस वगैरह, ये प्राइसिंग लगभग 250 से लेके 400 के बीच में आपको मिलता है। आप समझ लीजिए कि अगर इस तरह के पॉट्स में इतने सारे कैक्टस लगे हुए हैं तो इनकी प्राइसिंग लगभग 400 रुपये के आसपास होगी, और ये देखिए इसकी प्राइसिंग भी लगभग आपको वही 300 से लेके 400 के बीच में मिल जाएगा। तो सकुलेंट्स की भी बहुत सारी वैरायटी है, अगर आप वेरिकेटेड जेट प्लांट लेना चाहते हैं तो ये देखिए इसकी प्राइसिंग भी लगभग 400 रुपये के आसपास है। ये इंग्लिश आईवी है तो लगभग इसकी प्राइसिंग भी लगभग 400 रुपये के आसपास है, तो थोड़ी सी प्राइस में वेरिएबल आपको देखने के लिए मिलेगा, लगभग 350 से लेके 400 के बीच में ही है जो भी बास्केट्स आपको दिख रहे हैं। तो जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि संध्या नर्सरी अपना प्लांट खुद तैयार करता है, ये सामने देखिए ये गुलदावरी के पौधे जो लगे हुए हैं छोटे छोटे अभी हैं फिलहाल, और इन्होंने कुछ डाला है जो मैंने पूछा, इन्होंने बताया नहीं कि ये कौन सा खाद है, कोशिश करूँगा जाते हुए इनसे ज़रूर पूछूँ, अगर इन्होंने बता दिया तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि आखिर इन्होंने कौन सा खाद डाला है जिससे कि प्लांट्स इतने हरे भरे और एकदम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो जो कुछ ये प्लांट है ये इनकी जो प्राइसिंग है लगभग आपको 150 रुपये में मिल जाते हैं, बट 150 रुपये में आपको बड़ा वाला प्लांट मिलता है, और 100 रुपये में आपको ये छोटे वाले जो गमले में 8 इंच में लगे हुए हैं ये आपको 100 रुपये में मिल जाएंगे। तो गाइज अगर आप फ्रूटिंग प्लांट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, और नींबू के कुछ पौधे हैं यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, और ये लगभग आपको 150 रुपये के आसपास मिल जाता है, और भी आपको ऑरेंजेस के पौधे हैं और आम के हैं, अमरूद के हैं, ग्राफ्टेड है, तो लगभग 150 से लेके 500 के बीच में आपको प्राइसिंग आपको मिल जाती है। लगभग आपको हर तरह के जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं या फिर फल वाले जो पौधे होते हैं वो आपको बहुत ही सस्ते प्राइस पर आपको अवेलेबल करा देते हैं। तो पॉली बैग्स में ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा अगर आप फल लगा चाहते हैं तो। जितने देख रहे हैं ये ग्राफ्टेड ही मुझे दिख रहे हैं, तो ग्राफ्टेड आप ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इनकी नर्सरी है ये काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी नर्सरी है, और प्राइसिंग तो भाई साहब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर आपको चीज़ें मिल जाती है। तो आपको एक ओवरऑल नर्सरी का 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। आप एक तरफ इन्होंने काफ़ी लंबा रेंज रखा हुआ है इंडोर प्लांट्स का,
एक तरफ पॉट्स का पूरा रेंज रखा हुआ है वो देखिए, और उस तरफ जितने प्लांट्स आप देख रहे हैं ये सारे प्लांट्स तैयार हो रहे हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, मतलब इस मंथ वाले जो हैं वो तैयार हो, ठंड वाले जो प्लांट्स हैं वो उस तरफ तैयार हो रहे हैं। तो सोच लीजिए कितना बड़ा नर्सरी है ये कि वो प्लांट्स भी तैयार कर रहे हैं और सेल आउट भी यहीं पर हो रहा है। ये देखिए यहाँ कुछ प्लांट लगे हुए और जितने भी फल वाले हैं वो सारे उस साइड लगे हुए हैं। तो मतलब सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती है, खाद वगैरह, बर्मी कंपोस्ट वगैरह सब कुछ आपको एक जगह मिल जाता है, जो कि एक बोल सकते हो कि एक सिंगल पॉइंट पर आते हैं और आपको सारी चीज़ें बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर मिल जाती है। तो आप यहाँ आ सकते हैं संधा नर्सरी जो कि नोएडा में है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे दी है, गूगल मैप लोकेशन दे दिया है, फ़ोन नंबर्स दे दिए हैं जिससे कि आप इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आपने लोकेशन आने में थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसे आई बटन पर दे दूँगा जिससे कि वीडियो के लास्ट में देखिएगा कि मैंने यहाँ तक आने का जो पूरा रास्ता है ना वो बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो इन्जॉय कीजिए, यहाँ आइए और जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं आप बाई कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें के बारे में आपको मैं बता देता हूँ।